वेलकम बैक टू माई चैनल ट्विंकल रॉय क्रिएशन। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब कोई अच्छे हो। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि राजवंशी कास्ट के शादी में क्या क्या रिचुअल्स होता है जो फाइनल डे है वेडिंग डे। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि रिंग सेरेमनी में एंड मेहंदी में क्या क्या होता है। सो आज मैं आप लोगों के साथ शादी वाला डे का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइस, की वॉचिंग माय वीडियो। सो गाइस, मैं शादी घर में आ चुकी हूँ एंड मैं आप सभी को दिखाती हूँ शादी का पेंडल कैसा बना है। सो गाइस, हियर कम्स द डेकोरेशंस एंड ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर में कैसा सजाया है। सो कम कम कम, देर किस बात की। सो यही वो जगह है जहाँ पे हमारे दुल्हन बैठने वाली है। सो गाइस, कैसा लग रहा है? आई होप सबको अच्छा ही लग रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ये वाला जगह बनाया गया है जहाँ पे हमारी दुल्हन बैठेगी। सो गाइस, कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड या यहाँ हमारे राजवंशी कास्ट में जो मंडप होता है वो बनाना ट्री से ही बनाया जाता है एंड वो कंपलसरी होता है। सो ये रही आज का मंडप शादी के लिए, कैसा लगा है? इसको चालन बाती बोला जाता है एंड ये मिट्टी का कलर है जो हम लोग यूज़ करते हैं पानी भरने के लिए शादी में। सो अभी हम लोग नदी के पार आ चुके हैं आगे के रिचुअल्स के लिए।
एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट विच आई लव सो मच। मुझे ये वाला नियम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो दिया टाइप का बनाया जाता है, एक्चुअली ये बनाना ट्री के मदद से बनाया जाता है। एंड इसके थ्रू हम लोग लड़का और लड़की का कितना अच्छा रहेगा जोड़ी, ये टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, ये दोनों का तो जोड़ी सेपरेट ही नहीं हो रहा है, दे आर लाइक मैट फॉर ईच अदर। वाओ, सो गुड। एंड हियर कम्स द मेकअप पार्ट। एज यू नो, मेकअप करना हर किसी को पसंद है, एंड मेकअप के बिना लड़कियाँ अधूरी रहता है। इट्स लाइक तुम क्या जानोगे रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर का कीमत। एंड हियर कम्स आवर ब्राइड्स फाइनल लुक। शी इज लुकिंग सो प्रिटी, इज नॉट इट? बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड यहाँ पे हमारे दुल्हे मियाँ एंट्री करते हैं कार में। यहाँ पे देखिए, हर कोई बिजी है अपने अपने काम में, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे लोग, अपने में ही बिजी थे सब। जब कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं रहता है तो अपने आप को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेम में। सो अभी दुल्हन के जो बहन रहती है वो अपने जीजू यानी के दूल्हे को स्वागत करते हुए दूल्हे का पैर धो के फिर उनको मिठाई खिलाती है।